नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर, एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम न्यू दिल्ली से। आज हम बात करेंगे वीकली राशिफल साप्ताहिक कि नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक आप सबके लिए कैसे रहेगा। तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी अपने स्टूडियो में रिनाउंड सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर सुमित सेठी। तो आइए सुमित, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सेठी, आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड पश्चिम बिहार दिल्ली से। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मार्च की वीडियो। आज है 26th of March ट्यूसडे, और ये वीडियो अपलोड होगी 28th of March थर्सडे को, ठीक 2 दिन बाद। और 31st मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक का ये चेंज है, ये साप्ताहिक राशिफल है। और ये इंडिया के कुंडली आज तक के प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है। और हमेशा की तरह हम एरीज मेष से लेकर वर्गो कन्या तक बताएंगे 6 लग्न, बाकी के 6 लग्न हम कल डिस्कस करेंगे। तो ये पॉइंट्स मैं पढ़ देती हूँ। आपने लिखा हुआ है 31st ऑफ मार्च को शुक्र जाएगा पाइसिस में, जो कि उच्च का हो जाएगा। शुक्र जो है पाइसिस में जाएगा 12 नंबर में, जो कि शुक्र यहाँ पे उच्च का होता है हम सब जानते हैं। 1st ऑफ अप्रैल को मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। 1st ऑफ अप्रैल को बुध जो है वक्री हो जाएगा। 5th ऑफ अप्रैल को फ्राइडे को एकादशी है कृष्ण पक्ष की, बेटरमेंट है अब स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट अब इम्प्रूव होगी। 2nd लास्ट वीक ऑफ सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण का ये 2nd लास्ट वीक है दोस्तों। ये है साप्ताहिक राशिफल अप्रैल स्टार्टिंग दोस्तों। अब ये 31 मार्च को स्टार्ट होगा, ये यानी कि पूरे अप्रैल दोस्तों रहने वाला है ये वाला, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल इसी के अंदर आ जाएगा दोस्तों। बड़ा हैपनिंग मंथ भी है दोस्तों, हमने बताया भी था आपको जब अप्रैल का हमने राशिफल बनाया था। तो अब इसके अंदर हम लोग अगर बात करके देखेंगे आपको, तो ये बेसिकली दोस्तों अब यहाँ से स्टॉक मार्केट के लिए दोस्तों, क्योंकि आपने देखा हम लोगों ने वीडियो बनाई थी स्टॉक मार्केट के लिए, मार्केट कैसे उथल पुथल रहेगी बिकॉज ऑफ दोस्तों बुध का नीच का होना, बुध दोस्तों राहु के साथ भी था, सूर्य ग्रहण भी था, स्टॉक मार्केट उसका काफी नेगेटिव असर आया था। अब दोस्तों ये जो हफ्ता रहने वाला है बेसिकली, उसको हम लोग आज वीडियो बना रहे हैं 26 तारीख को, मंडे ट्यूजडे का दिन, होली के अगले दिन। उसको 26 तारीख को ही यानी कि आज के दिन दोस्तों मर्क्यूरी का भी चेंज हुआ है दोस्तों। मर्क्यूरी जो अभी तक 12 नंबर में नीच का था, राहु के साथ भी था, स्टॉक मार्केट के लिए दोस्तों नेगेटिव था वो दोस्तों, आज ही दिन जिस हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं उस दिन मूव करके 1 नंबर में आ चुका है दोस्तों। तो ये पर्टिकुलर चेंज दोस्तों स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ये पर्टिकुलर चेंज दोस्तों कहीं ना कहीं अब सिल्वर प्राइस के लिए काफी, मतलब सिल्वर के लिए काफी अच्छा रहने वाला है, मेटल के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों फाइनेंशियल की बात करें, बैंक्स की बात करें, या फाइनेंशियल मार्केट की बात करें, स्टॉक मार्केट की बात करें, तो वहां पे संभलना शुरू होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें दोस्तों, ये थोड़ी चीज यहाँ पे बेटर होना शुरू हो जाएंगी। तो 31 को जब ये जिस दिन ये वीडियो स्टार्ट होगी या जिस दिन ये हफ्ता स्टार्ट होगा संडे का दिन दोस्तों, 31 का दिन शुक्र भी दोस्तों यहाँ पे 11 नंबर से निकलकर दोस्तों 12 नंबर में आ जाएगा, बट एग्जॉल्टेड हो जाएगा दोस्तों। इसकी पूरी वीडियो हमारी है, आपने देखी होगी। तो शुक्र का एग्जॉल्टेड होना जो कि दोस्तों लग्जरी को डिनोट करता है, महालक्ष्मी को डिनोट करता है, उसका और ज्यादा पावरफुल हो जाना दोस्तों। उच्च का मतलब या एग्जॉल्टेड का मतलब अपनी टॉप मोस्ट पावर पे आ जाना दोस्तों, एग्जॉल्टेड में आ जाना, पावर में आ जाना, यानी कि शुक्र को पावर मिलेगी दोस्तों, क्योंकि राहु भी साथ में है एग्जॉल्टेड के साथ दोस्तों। अगर राहु भी साथ में रहेगा तो राहु जो होता है एक्सपैंड करता है, तो शुक्र की पावर को दोस्तों बढ़ा देगा दोस्तों। गुब्बारे में जिस तरह हवा भरी जाती है तो गुब्बारा फूल जाता है, तो उस तरह से राहु जो होता है हवा भरता है, फुला देता है, उसका बड़ा करता है, एक्सपैंड कर देता है। तो साथ में सूर्य है ही, तो इसका दोस्तों नेगेटिव भी होगा पॉजिटिव भी होगा, हम लोगों ने देखा भी था, अपनी वीडियो बनाई थी दोस्तों। अब क्या हुआ दोस्तों, जिस दिन हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं 26 को 28 को दोस्तों आपके सामने आएगी 2 दिन पहले, वो दोस्तों मूव करके आ गया 1 नंबर के अंदर। लेकिन दोस्तों 1 तारीख को यानी कि 1 अप्रैल को अगले महीने के दोस्तों पहले ही दिन वो यहाँ पे रेट्रोग्रेड हो जाएगा। रेट्रोग्रेड का मतलब दोस्तों बकरी यानी कि आर लिखा होगा इसके आगे, तो रिवर्स चलना शुरू हो जाएगा दोस्तों, उल्टा चलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। उसकी हम लोग वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे दोस्तों रेट्रोग्रेशन दोस्तों, बुध का रेट्रोग्रेशन थोड़ा बहुत मतलब आप कह सकते हो कि पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। ये बुध के जो 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 रेट्रोग्रेड दोस्तों मोशन होता है किसी भी ग्रह का, अच्छा ग्रह दोस्तों ज्यादा अच्छा हो जाता है और बुरा ग्रह ज्यादा बुरा हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है आपके चार्ट में। मान लीजिए अगर आपके चार्ट में शनि, अगर आपका तुला लगन है, शनि की लॉर्डशिप दोस्तों यहाँ पे 4th और 5th की है, तो रेट्रोग्रेड शनि यहाँ पे बेटरमेंट ही करेगा। तो उसी जगह से अगर एरीज लगन होगा, यहाँ पे शनि नेगेटिव होता है बहुत ज्यादा, 11th और 12th का लॉर्ड बन जाता है, या 10th और 11th का लॉर्ड बन जाता है दोस्तों, या मीन लगन में 11th और 12th का लॉर्ड बन जाता है, नेगेटिव हो जाता है, वहां पे अगर शनि रेट्रोग्रेड होगा तो ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, उसकी नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। तो 5 तारीख को शुक्रवार को क्या बोलते हैं अप्रैल मास की पहली एकादशी आएगी ये उसकी दोस्तों कृष्ण पक्ष की। तो पहली दो महीने में दोस्तों 2 बार एकादशी आती है, 1 बार अमावस्या आती है, 1 बार पूर्णमासी आती है। तो एक अगस्त दोस्तों एक जो एकादशी आती है वो आती है कृष्ण पक्ष में, यानी कि जब दोस्तों चंद्रमा नीचे की तरफ चलता है, अमावस्या की तरफ चलता है, और दोस्तों एक अगस्त आती है कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में, जब चंद्रमा दोस्तों पूर्णमासी की तरफ चलता है, बढ़ता हुआ चंद्रमा, एक वैक्सिंग और एक दोस्तों फुल में। तो अब मैंने बता दिया कि स्टॉक मार्केट के लिए बेटरमेंट होगा, बिकॉज दोस्तों क्या है कि गुरु
जो कि धन का ही कारक है, गुरु जो कि स्टॉक मार्केट का कारक है, जो गुरु जो कि पैसों को बढ़ाने वाला खुशियों का कारक है, बुध का उसके साथ आ जाना, यानी कि दोस्तों उसके अंदर आप कह सकते हो कि पैसों की बेटरमेंट हो जाएगी, स्टॉक मार्केट की बेटरमेंट हो जाएगी, फाइनेंशियल मार्केट की बेटरमेंट हो जाएगी। और क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान का 12th हाउस के अंदर आने से दोस्तों, हालांकि 12th हाउस में दोस्तों नेगेटिविटी बढ़ जाती है किसी भी तरह की, बट गुरु जैसा प्लैनेट दोस्तों अगर 12th हाउस में नेगेटिव नहीं करता, पॉजिटिव ही करता है। और बुध दोस्तों गुरु के साथ आके पॉजिटिविटी बढ़ाएगा, लग्जरी बढ़ेगा, यानी कि स्टॉक मार्केट से लग्जरी बढ़ेगी, यानी कि स्टॉक मार्केट अब ऊपर ही जाएगी। तो बहुत फ्लक्चुएशन दोस्तों मार्च में देखी, उसमें थोड़ी सी दोस्तों कहने कट होगा, उस पर कहने की रुकावट आएगी थोड़ी सी। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों सूर्य, अब ये दोस्तों एक हफ्ता हो गया 6 अप्रैल तक का, अगला दोस्तों जो हफ्ता होगा 7 से लेकर 13 तक का, यानी कि दोस्तों 13 तारीख को ही सूर्य ग्रहण खत्म होगा। तो सेकंड लास्ट हफ्ता है दोस्तों सूर्य ग्रहण का, तो अब मुश्किल का 15 दिन का टाइम बचा है दोस्तों सूर्य ग्रहण से निपटने के लिए। और दोस्तों जैसे ही सूर्य ग्रहण की एंडिंग भी हो जाएगी तो नेगेटिविटी काफी हद तक कम हो जाएगी, काफी दोस्तों उसमें पॉजिटिविटी आ जाएगी। और जो हम लोगों ने दोस्तों वीडियो बनाई थी सिंह लगन को लेकर या वृश्चिक लगन को लेकर, उनको दोस्तों काफी आराम मिलेगा यहाँ पे सूर्य ग्रहण के चक्कर में दोस्तों नेगेटिविटी आती थी। यहाँ पे सूर्य ग्रहण भी जब खत्म होगा और सूर्य दोस्तों मूव करके नंबर 1 में आ जाएगा, और 1 में आते ही दोस्तों एग्जॉल्टेड मोशन में हो जाएगा, तो वहाँ पे गुरु भी होगा दोस्तों, गुरु सूर्य कॉम्बिनेशन बहुत शानदार कॉम्बिनेशन। यानी कि 13 तारीख के बाद से दोस्तों शांति की बात करें, पैसों की बात करें, ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, चीजें दोस्तों बहुत बेटर होंगी, ना सिर्फ हिंदुस्तान में दोस्तों बल्कि ग्लोबली दोस्तों। तो दोस्तों ये हफ्ते का कॉम्बिनेशन रहने वाला है, इस पर हम लोग गौर करते चलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो हम सीधा आते हैं नंबर 1 एरीज मेष लगन, मंगल की पहली राशि, तो इनके लिए कैसा रहेगा ये नेक्स्ट वीक दोस्तों? इस हफ्ते की बात करें, इस हफ्ते दोस्तों बेसिकली 2 चेंज हुए हैं दोस्तों। एक होगा 31 को शुक्र का चेंज, दोस्तों 1st को मर्क्यूरी का रेट्रोग्रेशन हो जाएगा। दोस्तों ओवरऑल हम लोग बात कर देखें दोस्तों पूरे, अभी जब दोस्तों आपने हमारी वीडियो देखी होगी, राशि वाली वीडियो हमारी आनी है इसके बाद दोस्तों, देखेंगे आपने आने वाली वीडियो, तो उसमें दोस्तों हम लोगों ने बात करी कि मंगल 23 तारीख का मूव करेगा यहाँ पे 12 नंबर के अंदर। लेकिन दोस्तों इस पूरे हफ्ते मंगल आपके 11th हाउस गेंस में ही रहने वाला दोस्तों, तो ये हफ्ता दोस्तों बेटर रहने का, ये हफ्ता में ज्यादा बेटरमेंट होगी। और क्योंकि दोस्तों मर्क्यूरी बुध वो भी आपके 1st हाउस में गुरु के साथ आ चुका है, इस हफ्ते आप प्रॉफिट, इस हफ्ते आप गेंस एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, शेयर मार्केट से आप गेंस, आपके रुके पेमेंट वापस आ सकते हैं, आपका भाग्य का साथ मिल सकता है, ट्रेवलिंग क्योंकि बुध यहाँ पर दोस्तों ट्रेवलिंग को डिनोट करता है। तो ये वाला पर्टिकुलर हफ्ता दोस्तों काफी ज्यादा ठीक ठाक रहने वाला है। तो जिनको किडनी के इश्यूज है, जिनको दोस्तों कहीं ना कहीं लोअर स्टमक में इश्यूज रहते हैं, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट रहेगी यहाँ पे, बिकॉज बुध जो कि 6th का लॉर्ड है, किडनी को डिनोट करता है, वो आपके सेल्फ ऑर्गन के पैनक्रियाज को डिनोट करता है, जिनको दोस्तों शुगर की दिक्कत है। तो दोस्तों गुरु तो होता है खांड यानी कि शुगर के लिए, तो जब ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलता है थोड़े कहने का नेगेटिविटी आती है, जिनको खासकर शुगर है, डायबिटीज है, उनके लिए थोड़ी सी नेगेटिविटी हो सकती है, बहुत माइनर से दोस्तों। बट ओवरऑल हम लोग देख के चले तो ये हफ्ता उसके पैसों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, प्रॉफिट्स के लिए, गेंस के लिए काफी अच्छा, कई आपके विशेष यहाँ पे फुलफिल होंगे। बस सूर्य दोस्तों अभी भी ग्रहण में है 5th का लॉर्ड, तो पेट का मैं अभी भी ध्यान में देकर चल रहे हैं, स्पेशली वो सभी लेडीज जो कंसीव कर चुके हैं, जो कंसीवमेंट की तैयारी कर रही है, उनको यहाँ पे थोड़ा केयरफुल। बट ओवरऑल दोस्तों ये हफ्ता अब जो अप्रैल की शुरुआत होगी, ये हो सकता है कुछ प्रॉफिट देके जाए आपको, कुछ गेन करा के जाए। चलिए एरीज मेष लग्न का तो हो गया, हम आते हैं सेकंड नंबर टॉरस वृषभ, शुक्र की पहली राशि, इनके लिए कैसा रहेगा? चलिए फ्रेंड्स, इससे पहले जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, मुश्किलों को दूर करना अपनी लाइफ से तो भी जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहें तो मैं कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल वीडियो के लिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए, कि आने वाला आपका टाइम कैसा है, ये तो है जनरल, बाकी आपकी कुंडली और दशा मैटर करती है कि आपके आने वाला टाइम कैसा है, तो फोन उठाइए और अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम सेकेंड नंबर टॉरस वृषभ, वीडियो के अंत तक बने रहिए सभी लग्नों का जानने के लिए कि नेक्स्ट वीक कमिंग वीक कैसा रहेगा। दोस्तों ये वाला हफ्ता आपके लिए बड़ा प्रॉमिसिंग हफ्ता रहने वाला है, बिकॉज दोस्तों आपका जो सेल्फ का जो लॉर्ड है, आपकी जो सेल्फ का दोस्तों डिनोट करते हैं शुक्र, जो कि आपके सेल्फ का ही लॉर्ड है दोस्तों 11th हाउस में। दोस्तों वैसे भी नॉर्मली अगर आप देखेंगे 11th हाउस यानी कि जो गेंस को डिनोट करता है, प्रॉफिट्स को डिनोट करता है, वहां तक अगर आपका सेल्फ का हाउस आ जाएगा, लैंड कर जाएगा, दोस्तों गेंस बढ़ते ही चले जाते हैं उस पर्टिकुलर ट्रांजिट के अंदर भी। अगर नेटल चार्ट में कॉम्बिनेशन है फिर दोस्तों कहना ही क्या दोस्तों, यहाँ पे ना सिर्फ ये गेंस हाउस के अंदर है दोस्तों, बल्कि एग्जॉल्टेड भी है, यानी कि अपनी पूरी पावर के साथ है दोस्तों, किसके साथ? राहु के साथ, जो गेंस को बढ़ा के जा रहे हैं। तो साथ में कौन सपोर्ट कर रहे हैं? सूर्य, जो कि यहाँ पे 4th करोड़ है, यानी कि सेल्फ आप खुद हो गए दोस्तों, 4th पब्लिक, पब्लिक लाइफ हो गई दोस्तों, गेंस यानी कि वो सभी लोग जो पब्लिक लाइफ के अंदर है, जो दोस्तों मीडियम हो, एक्टर हो, कुछ भी, जिनको लोग फॉलो करते हैं बहुत ज्यादा, जिनका दोस्तों सारा काम पब्लिक के साथ ही, पब्लिक का प्यार मिलेगा तो ही आपकी तरक्की होगी, पब्लिक ने मुंह मोड़ लिया तो आप नीचे गिर जाओगे दोस्तों। तो वो सभी लोग जो पब्लिक लाइफ है, जिनके दोस्तों ऑक्सीजन है पब्लिक लाइफ, उनके लिए पब्लिक के सपोर्ट, जिनके लिए ऑक्सीजन है, चाहे वो पॉलिटिक्स के अंदर भी क्यों ना, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा हो जाएगा ये वाला। और दोस्तों क्योंकि यहाँ पे सूर्य भी जो कि 4th हाउस को डिनोट करता है, हालांकि दोस्तों ग्रहण में है, बट 4th हाउस दोस्तों प्रॉपर्टीज को डिनोट करता है, गाड़ी को डिनोट करता है दोस्तों, शुक्र लग्जरी गाड़ी को डिनोट करता है।
जो गाड़ी परचेज करना चाह रहे हैं या दोस्तों जो प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं, ये पर्टिकुलर मंथ क्योंकि शुक्र यहाँ पे एग्जॉर्टेड हो गया दोस्तों, और दोस्तों इसके बाद सूर्य ग्रहण भी खत्म हो जाएगा 13 तारीख को, तो ये पर्टिकुलर मंथ अप्रैल यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी का कोई प्रोग्राम था आपका, या मान लीजिए आपको गाड़ी परचेज करनी थी आपने, तो दिस इज दी टाइम। और दोस्तों 9 तारीख से नवरात्र भी स्टार्ट हो जाएंगे, 17 तारीख को रामनवमी भी है, तो जिसने गाड़ी परचेज करनी है, गाड़ी का प्लान है या जमीन लेकर दोस्तों टोकन मनी देना है, तो दोस्तों वो नवरात्रों में दे सकते हैं। नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं 9 तारीख से, 13 तारीख के बाद जब सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा तो आप पूरी पेमेंट कर सकते हैं, बाकी पेमेंट जो आप नहीं करनी है, बट दिस इज दी टाइम। ये दोस्तों यहाँ पे नजर के चलिए गेन्स का पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है, तो जो भी थोड़ा सा अगर आपने गैम्बल करने शेयर मार्केट के अंदर भी, म्यूचुअल फंड के अंदर भी, इन्वेस्टमेंट के अंदर भी, आंखें मूंद के आप लॉन्ग टर्म के लिए गेन्स कर दीजिए, यहाँ पे आपको बेनिफिट तगड़े वाला मिलने वाला है, कोई टेंशन नहीं। अगर आपकी कुंडली में भी शुक्र पॉजिटिव है तो दोस्तों फिर तो कहने के हफ्ता आपके मतलब एक सक्सेस में 4 चांद लगा कर जाएगा। चलिए टॉरस शुक्र का भी हो गया, शुक्र की राशि इनके लिए तो बहुत अच्छा रहेगा आप बता रहे हैं। अब हम आते हैं थर्ड नंबर जेमिनाई मिथुन बुध की पहली राशि, इनके लिए कैसा रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया और जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर एंड कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। हमारी वीडियोस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम जेमिनाई मिथुन। दोस्तों जेमिनाई मिथुन की बात करके देखें, जेमिनाई माने दोस्तों बुध की राशि, और अगर आप ये बात को मान के चलिए कि इस हफ्ते आपको देखिए बुध जो हम लोग बात करें दोस्तों ने बताया था आपको 26 तारीख को बुध की दोस्तों मूवमेंट हुई है। दोस्तों बुध आ गया आपका 11th गेन हाउस के अंदर, किसके साथ दोस्तों, जुपिटर के साथ। जुपिटर आपकी कुंडली में क्या दोस्तों, 10th का लॉर्ड करियर का, यानी कि सेल्फ का लॉर्ड, करियर का लॉर्ड इन इनकम हाउस, यानी कि आपके सेल्फ को करियर को यहाँ पे बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी, इनकम आपकी बढ़ेगी, आपके गेन्स बढ़ेंगे, आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी दोस्तों, आपका समाज में प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। और क्योंकि 11th हाउस में से कॉम्बिनेशन बना तो वो सभी लोग जो सोशल मीडिया के थ्रू हैं अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाना चाह रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, जिनको गेन्स आते हैं, जिनको पैसा आता है सोशल मीडिया के थ्रू, उनको इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और दोस्तों जब हम देखते हैं कि शुक्र भी यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, शुक्र एग्जॉल्टेड हो गया आपके 10th हाउस के अंदर और साथ में राहु भी दोस्तों, उसको कहना ही क्या, ये हफ्ता दोस्तों गेन्स बढ़ाने वाला, मीडिया वालों के लिए दोस्तों बहुत बड़ा हफ्ता, सोशल मीडिया वालों के लिए बहुत बड़ा हफ्ता, स्टॉक मार्केट वालों के लिए दोस्तों बहुत बड़ा हफ्ता, सीएस के लिए जो सीएस हैं दोस्तों, जो अकाउंटेंट्स हैं अकाउंट्स के फील्ड के अंदर दोस्तों, उनके लिए बहुत बड़ा हफ्ता, जो कंसल्टेंसी के फील्ड में एडवाइजरी है दोस्तों, एडवाइजर सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग होते हैं दोस्तों, वकालत में जो लोग हैं, टीचिंग लाइन में जो लोग हैं, बैंक के अंदर है, बैंकर है, पर्सनल लोन में, क्रेडिट कार्ड के अंदर, रिलेशनशिप मैनेजर है, तो उन तक दोस्तों ये हफ्ता बहुत ही बड़ा। और क्योंकि साथ में दोस्तों गुरु भी है यहाँ पे, तो स्पेशल दोस्तों फोकस रहेगा टीचर्स पे और लॉयर्स पे, वकीलों पे, तो उन दोनों के लिए ये पर्टिकुलर मूवमेंट, ये पर्टिकुलर हफ्ता काफी अच्छी खबर देखा जाएगा। अच्छे दोस्तों उनके पास कंसल्टेंसी की चीज आएंगी या प्रोजेक्ट्स आएंगे, क्योंकि अब नया सेशन दोस्तों स्टार्ट हो जाएगा, मार्च का महीना खत्म, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल दोस्तों नए मतलब स्कूल का नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो जिन टीचर्स को दोस्तों परमानेंसी चाहिए थी या जॉब चाहिए थी उनको यहाँ से दोस्तों बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। तो कुल मिला के मिथुन वालों के लिए बहुत बड़ी खबर, स्पेशली शुक्र का यहाँ पे आना दोस्तों 10th हाउस में, और बुध यानी कि मर्क्यूरी का यहाँ पे आपके 11th हाउस में दोस्तों, वो भी जब रेट्रोग्रेड हो जाएगा तो फिर तो कहने के तो दोस्तों गेंद आपके तेजी के साथ बढ़ेंगे बहुत। चलिए जेमिनाई मिथुन का भी हो गया, अब हम आते हैं 4 नंबर कैंसर कर चंद्रमा की राशि, तो इनके लिए कैसा रहेगा। तो आप मान के चलिए कि शुक्र इनके भी 9th हाउस में आएगा दोस्तों, आएगा इनफैक्ट यहाँ पे आके एग्जॉल्टेड भी हो जाएगा। और उसका मान के चलिए कि शुक्र जो है, जैसे आपकी जो राशि है दोस्तों, मतलब आपका जो लगन है कर्क लगन दोस्तों, वो है शिव जी का, कर्क माने के चंद्रमा, चंद्रमा माने शिव जी, और शुक्र उसको विष्णु जी को डिनोट करता है, जिसमें दोस्तों महाकाल का आशीर्वाद हो, जिसमें माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, और उसको भी 9th भाग्य स्थान के अंदर माँ लक्ष्मी का भाग्य स्थान में आशीर्वाद हो, उसको कहना ही क्या। तो दोस्तों यहाँ पे शुक्र का लैंड करना इस हफ्ते को बहुत बड़ा हफ्ता करके चला जाएगा दोस्तों, और बुध का 10th हाउस में आना, यानी कि 10th हाउस करियर, बुध दोस्तों आपके करियर को डिनोट करने वाला, कौन सा दोस्तों, जो एमबीए करके बैठे हैं, जो बच्चे एमबीए करना चाह रहे हैं, या एमबीए से दोस्तों इनको जो जिनको प्लेसमेंट चाहिए, कैंपस प्लेसमेंट चाहिए दोस्तों जिनको, या जो अकाउंटेंट हो, बेसिकली जॉब के अंदर ज्यादा दोस्तों 10th हाउस जॉब का होता है, तो उनको दोस्तों यहाँ पे बहुत ज्यादा बेनिफिट। और क्योंकि जुपिटर भी साथ में है, बुध यहाँ पे दोस्तों अब लैंड कर चुके हैं 3rd का लॉर्ड दोस्तों यहाँ पे, और जुपिटर 10th हाउस में, तो मे बी ट्रेवलिंग यहाँ से बढ़ सकती है, और गुरु यहाँ पे है दोस्तों, तो आपको जो ट्रैवलिंग होगी आपको सपोर्ट करेगी, आपको उसमें नंबर ऐड होंगे आपके, कहने की आपके पोजीशन में बढ़त होगी यहाँ पे। तो कुल मिला के चीजें बहुत ज्यादा सुंदर। और अभी फिलहाल एक बात बताया तो आपको, जब 13 अप्रैल को सूर्य ग्रहण भी खत्म हो जाएगा, बिकॉज सेकंड लास्ट वीक जैसा हमने बताया सूर्य ग्रहण भी खत्म हो जाएगा, तो सूर्य भी आपके दोस्तों 10th हाउस में लैंड करेगा करियर हाउस के अंदर, और वहां से दोस्तों यानी कि मिड अप्रैल के बाद से चीजें इतनी ज्यादा सुंदर हो जाएंगी, इतनी ज्यादा सुंदर हो जाएंगी आपको विश्वास नहीं होगा। जब दोस्तों 1 मई को गुरु का भी चेंज हो जाएगा अगले 13 महीने के लिए, 12 साढ़े 12 महीने के लिए, तो दोस्तों कहना है कि उसके हम लोगों ने वीडियो बनाई थी उस गुरु की, आप देखिए
दोस्तों हमने गुरु की एक वीडियो बना के रखी हुई है कि फर्स्ट में कुछ चेंज होगा उसमें दोस्तों आपके लिए बहुत कुछ है देखने के लिए। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये पर्टिकुलर हफ्ता करियर के लिए और करियर में गेंस के लिए प्लस माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद के लिए बहुत बड़ा दोस्तों इन्वेस्टमेंट की तैयारी करिए, एप्पल को बड़ा करिए और दोस्तों अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज वो आपके द्वारे आपका दरवाजा खटखटा रही है। चलिए फोन नंबर कैंसर करके भी अगर माते फिफ्थ नंबर लियो सिंह तो इनके लिए कैसा रहेगा। चलिए फ्रेंड जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं फिफ्थ नंबर लियो सिंह, वीडियो के अंत तक बने रहिए बाकी का दो लग्नों का जानने के लिए। तो सब आप एक चीज देखें यहाँ पे, ये जो अब दो चेंजेस में बेसिकली तो बुध का चेंज हुआ जो आप बात कर रहे हैं दोस्तों और दोस्तों एक शुक्र का चेंज। तो अब देखें यहाँ पे बस एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि अभी भी दोस्तों आपका जो मेन जो प्लैनेट है जो आपके सेल्फ को डिनोट करते हैं सूर्य ग्रहण में, तो थोड़ी अभी हमें अभी भी सावधानी बरत कर चलनी है अपनी हेल्थ को लेके, अपने व्यवहार अपने बिहेवियर को लेके। लेकिन दोस्तों बुध का यहाँ पे आ जाना, नाइन्थ हाउस में दोस्तों बुध का आ जाना बहुत बड़ी खबर दोस्तों, ग्रहण से बाहर दोस्तों बुध का यहाँ पे आ जाना मीन जो कि आपकी कुंडली में दोस्तों गेन और वेल्थ सेविंग्स को डिनोट करता है। दोस्तों यकायक आपकी सेविंग्स यहाँ बढ़ सकती है, हो सकता है कोई आपने शेयर्स पहले लेकर रखे उनका प्राइस बढ़े और आप शेयर्स को सेल कर दे और मोटा प्रॉफिट आप कमा लें, या हो सकता है कोई आपकी एफडी मैच्योर हो रही हो, आपकी कोई पॉलिसी यहाँ पे मैच्योर हो रही हो। और दोस्तों क्योंकि ये बातें मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि शुक्र जो कि एग्जॉल्टेड होगा आपके एट्थ हाउस के अंदर होगा दोस्तों, ये पॉलिसीज को डिनोट करता है, इनकम फ्रॉम पॉलिसीज, इंश्योरेंस, या किसी ने आपको गिफ्ट कर दिया पैसा, कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो गई, मतलब वो सभी चीजें जो बिल्कुल टोटली अनएक्सपेक्टेड होती हैं। या कई बार क्या होता है दोस्तों आपकी जो वाइफ है आपके जो पार्टनर है तो उनके परिवार से कुछ मिल जाता है, बिकॉज सेवंथ हाउस आपकी वाइफ का, सेकंड हाउस वाइफ की वेल्थ का, तो वाइफ की वेल्थ आपको मिल जाती है, वाइफ के परिवार आपके माइक मतलब आपके ससुराल से आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट हो जाता है। तो ये जो हफ्ता दोस्तों रहेगा ये अनएक्सपेक्टेड गेन्स का रहने वाला है, जिसके अंदर दोस्तों जिसमें मेहनत कम होती है लक वाला पार्ट ज्यादा होता है, जैसे शेयर मार्केट से गेन हो गया आपका, एफडी गेन हुई, म्यूचुअल फंड आप करके पोस्ट ऑफिस से आपने को डिपॉजिट करवाया था उसकी मेच्योरिटी डेट आ गई, एलआईसी की आपकी मेच्योरिटी डेट आ गई, तो ये सब चीज होते हैं यहाँ पे होंगी। कोई आपने पैसा दिया होता किसी को अपने फ्रेंड को, वो पैसा डूब चुका था लेकिन अचानक उसने पैसा लौटा दिया आपको, तो ये हफ्ता अनएक्सपेक्टेड गेन्स का रहने वाला है। तो उम्मीद करके चलते हैं कि अनएक्सपेक्टेड आपके साथ गेन्स रहेंगे इस हफ्ते, और क्योंकि मंगल भी अभी आपके सेवेंथ हाउस में, तो नो टेंशन नो वरी, बस सूर्य राहु के साथ पूरे हफ्ते रहने वाला है, उसका हम देख लेंगे दोस्तों इलाज क्या, कि अभी आप सूर्य को जल दें, संडे के संडे गेहूं का दान करें, तांबे के बर्तन का दान करें जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, तो चीजें कंट्रोल में रहेंगी। और बाकी दोस्तों बुध आ ही चुके आपके नाइन्थ हाउस में, तो कहना है क्या किस्मत, दोस्तों बुध को विष्णु जी कहा गया, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके साथ, विष्णु जी का आशीर्वाद आपके साथ और सूर्य देव को खुश करने का दोस्तों सूर्य जल देंगे तो वो भी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। चलिए लियो सिंह का भी हो गया, इनके लिए भी आप बहुत अच्छा बता रहे हैं। अब हम आते हैं सिक्स नंबर वर्गो कन्या, आज का आखिरी लग्न बुध की दूसरी राशि, तो इनके लिए कैसा रहेगा नेक्स्ट वीक। दोस्तों वर्गो माने कन्या दोस्तों बुध की पहली राशि, बुध की दूसरी राशि दोस्तों, दोस्तों हमने देखा जेमिनी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला, बिकॉज जेमिनी जो कि बुध की पहली राशि है दोस्तों, इनका इलेवेंथ हाउस में सारा कुछ हो रहा है, तो दोस्तों आपको पता है इलेवेंथ हाउस में जब जब गेंद वाला प्लैनेट बनते हैं बड़े आते हैं तो चीजें बेटर हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वर्गो के अंदर दोस्तों, अब इनके लिए इतना अभी अच्छा नहीं होगा, बिकॉज जो सूर्य ग्रहण जो अभी आपके सेवंथ हाउस में अभी भी चल रहा है आपका, तो सूर्य कौन सा, ट्वेल्थ नेगेटिव कलॉड, एक्सपेंसिस कलॉड दोस्तों, मेंटल स्ट्रेस कलॉड उसका सेवंथ हाउस में आना, तो मैरिज में दोस्तों मेंटल स्ट्रेस बढ़ा के जाता है। तो मैरिड लाइफ की बात करें या आपकी लोअर बॉडी की बात करें या आपकी सेक्सुअल लाइफ की, तो अभी दोस्तों ट्रबल समय है वहाँ पे, अभी थोड़े से इश्यूज चलने वाले हैं बिकॉज सूर्य ग्रहण है। अब दोस्तों क्या बुध यहाँ से मूव तो हो गया, ठीक है अच्छी बात है मूव हो गया, लेकिन दोस्तों बुध आ गया एट्थ हाउस के अंदर, तो सेल्फ कलॉड एट्थ हाउस के अंदर बहुत ज्यादा दोस्तों पॉजिटिव इन फाइनेंस नहीं होता, फाइनेंस का इतना पॉजिटिव नहीं होता। इसमें क्या दोस्तों एट्थ हाउस जो होता है आपके इंटरनल ट्रेवलिंग का होता है, आपके अकल्ट का होता है, आपकी स्पिरिचुअलिटी का होता है, आपके योगा का होता है, आपके मेडिटेशन का होता है, तो वो सब चीज़ों में जो लोग हैं उनको दोस्तों बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप मान लीजिए योगा टीचर हैं, मेडिटेशन वाले टीचर मेडिटेट करवाते हैं, या स्पिरिचुअल गुरु हैं, अगर कोई प्रीस्ट है पंडित हैं इस तरह के, तो उसमें तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अकल्ट के फील्ड में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपको हीलर, अगर आप साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजी करें तो सामने वाले को हील करते हैं, अगर आप सामने वाले की नेगेटिव एनर्जी खींच के उसमें पॉजिटिविटी इंसर्ट करते हैं, डॉक्टर अगर आप हैं तो भी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। बट ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे देखें कोई बहुत ज्यादा खास अच्छी खबर नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों यहाँ से बेटर यहाँ पे होगा, मैरिड लाइफ में थोड़ी बेटरमेंट आएगी, मेंटल स्ट्रेस में थोड़ी बेटरमेंट आएगी, रीजन कि राहु को छोड़ चुका आपका बुध, तो ये थोड़ा सा टाइम बेटर हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा दोस्तों, मार्जिनली बेटर हुआ। हाँ एक बहुत अच्छी खबर है कि शुक्र का जो कि आपके चार्ट में नाइन्थ भाग्य का और सेकंड वेल्थ का लॉर्ड बनते हैं उसका यहाँ पे आके एग्जॉल्टेड हो जाना और आपके सेल्फ हाउस को देखना कहीं ना कहीं कंपनसेट करेगा चीजों को। तो मैं बताऊँ दोस्तों यहाँ से चीजें थोड़ी से मूव करना शुरू हो जाएंगी, जब तक स्टैग्नेटेड थी
तो ये मूव करेंगे, लेकिन दोस्तों कछुए की चाल पे धीरे धीरे, खरगोश वाली चाल नहीं आएगी अभी, कछुए की चाल आएगी धीरे धीरे। बट हाँ दोस्तों आपको मालूम है धीरे धीरे सही, अगर मंदिर मंदिर की तरफ बढ़ पड़े तो चीजें बेटर हो जाती हैं। वैसे ये टाइम थोड़ा सा बेटर हुआ है, लेकिन इस हफ्ते हम लोग कोई मैजिक वो एक्सपेक्ट करके चले वो थोड़ी सी दिक्कत होगी। हाँ शुक्र यहाँ पे आ रहे हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करें, जिनको डायमंड सूट करता है डायमंड डालिए, तो उससे आपको काफी फर्क पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये तो है जनरल, बाकी आपकी कुंडली और दशा मैटर करती है कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। तो आप चाहें तो मैं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के छह लग्न हमेशा हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो पार्ट टू में मिलते हैं हम। आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।